नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में लगभग एक महीने चले सियासी घमासान के बाद आखिरकार उस पर विराम लग गया, मगर इस सियासी घमासान में एक नाम जो बार बार सुनने को मिला वो था सुप्रिया सुले का। इस विवाद में सबसे पहले सुप्रिया सुले का नाम 23 नवंबर को सुनने को मिला, जब अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस से मिलकर सरकार बना ली। उस वक्त सुप्रिया का व्हाट्सएप स्टेटस काफी चर्चा में था। एनसीपी मुखिया शरद पवार की लाडली सुप्रिया ने करीब 10:45 पर व्हाट्सएप स्टेटस लगाया, परिवार और पार्टी टूट गए हैं। इस ड्रामे के खत्म होने में पर्दे के पीछे सुप्रिया का बड़ा रोल रहा। आइए आपको बताते हैं कौन है सुप्रिया सुले और कैसे पिछले कुछ सालों में उनका कद महाराष्ट्र और देश की राजनीति में बढ़ता गया है। 20 जून 1969 को पुणे में शरद और प्रतिभा पवार के घर सुप्रिया का जन्म हुआ। मुंबई के जय हिंद कॉलेज में माइक्रोबायोलॉजी में बीएससी की डिग्री लेने वाली सुप्रिया की शादी 4 मार्च 1991 को सदानंद सुले से हुई थी, जो शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे के भांजे हैं। शादी के बाद सुप्रिया कैलिफोर्निया गई और यहां पर उन्होंने यूएस बार्कले से जल प्रदूषण पर रिसर्च किया। इसी दौरान वो सिंगापुर और इंडोनेशिया भी गई और फिर मुंबई वापस आ गई। बताया जाता है कि उस समय दोनों की शादी की बातचीत भी बाला साहेब ठाकरे ने ही की थी। सुप्रिया बाला साहेब को काका कहकर बुलाती थी। सुप्रिया और पति सदानंद की लव स्टोरी और इनकी शादी की कहानी भी कम इंटरेस्टिंग नहीं है। इनकी मुलाकात पुणे में हुई थी और उस समय सुप्रिया एक अखबार में जर्नलिस्ट के तौर पर काम कर रही थी। यहीं पर उनकी मुलाकात सदानंद से हुई और दोनों एक फैमिली फ्रेंड के घर पर मिले थे। पति सदानंद उस समय अमेरिका में नौकरी करते थे। फ्रेंड के घर पर हुई मुलाकात प्यार में बदल गई और दोनों ने शादी पर सोचना शुरू कर दिया। सुप्रिया और सदानंद दो बच्चे विजय और रेवती के माता पिता हैं। सुप्रिया को महिला अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाली राजनेता के तौर पर जाना जाता है। 17वीं लोकसभा में वो अपने परिवार के गढ़ बारामती का नेतृत्व करती है। साल 2011 में उन्होंने महाराष्ट्र राज्य कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ कैंपेन लॉन्च किया था। साल 2006 में सुप्रिया राज्यसभा के लिए चुनी गई थी। सुप्रिया के बारे में कहा जाता है कि उन्हें एक आम नागरिक से खुद को कनेक्ट करना भली भांति आता है। वो हमेशा उन लोगों के लिए काम करने के लिए जानी जाती है जो शहर में रहते हैं और अक्सर काम की वजह से तनाव का सामना करने को मजबूर है। इस साल जनवरी में सुप्रिया ने संसद में प्राइवेट मेंबर बिल, जिसे राइट टू डिस्कनेक्ट नाम दिया गया है, उसे पेश किया था। इसके अलावा सुप्रिया देश का मिजाज समझने में भी कुछ पीछे नहीं रहती है। जुलाई में जब लोकसभा चुनावों के बाद संसद का सत्र शुरू हुआ तो सुप्रिया ने एक और बिल पेश किया। इस बिल में उन सैनिकों के परिवार के लिए करीब 2 करोड़ का भत्ता और जॉब कोटे की मांग की गई थी, जो युद्ध में शहीद हो गए हैं। सुप्रिया पार्टी वर्कर्स के काफी करीब है। एक रिपोर्ट की माने तो सुप्रिया की वजह से ही वर्कर्स अजीत पवार को दादा कहते हैं और सुप्रिया को ताई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।